अब बात करते हैं दोस्तों आम की देहिक विकार। देहिक विकार जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आम के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या देहिक विकार तीन है दोस्तों मुख्य है। पहला कौन सा, काला शीरा या ब्लैक टिप। ब्लैक टिप सबसे पहले बात करें दोस्तों कि इस ये रोग का कारण क्या है। रोग का कारण ईंट भट्टे, ईंट भट्टों से निकलने वाली, ईंट भट्टों से निकलने वाली SO2। SO2 को क्या बोलते हैं दोस्तों, सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड ईंट भट्टों से निकलने वाली SO2 तथा CO गैस। CO गैस अब ये CO का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंट भट्टों से निकलने वाली जो SO2 है, CO गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे क्या होता है दोस्तों, काला सिरा है, ब्लैक टिप रोग हो जाता है। अब दूसरे की बात करें दोस्तों तो बोरोन तत्व की, बी से बोरोन। बोरोन तत्व की कमी से भी यह रोग हो जाता है, बोरोन तत्व की कमी से। अब इसकी दोस्तों नियंत्रण कैसे करें दोस्तों इस रोग का, तो या तो बगीचे का स्थान, बगीचे का स्थान ईंट भट्टों से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो। क्या हो दोस्तों, 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, या क्या करें दोस्तों, बोरेक्स 0.06% का छिड़काव करें। क्या करें दोस्तों, बोरेक्स 0.06% का छिड़काव करें। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे डिसऑर्डर की, इसका क्या नाम है दोस्तों, स्पॉन्जी ऊतक। क्या है दोस्तों, स्पॉन्जी ऊतक रोग। स्पॉन्जी ऊतक, अब ये जो स्पॉन्जी ऊतक है वो इसका मुख्य कारण है दोस्तों। मुख्य कारण क्या है दोस्तों, मृदा ताप संवहन। मृदा ताप संवहन इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मृदा के तापमान में उतार चढ़ाव, इसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, स्पॉन्जी ऊतक। इसके दोस्तों लक्षण, इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, कि आम है वो सामान्यतः जैसे अपने खाते हैं वैसा ही दिखाई देता है। आम आम दिखने में सामान्य लगता है, आम दिखने में सामान्य लगता है, परंतु अंदर से पीला स्पंज जैसा होता है। पीला स्पंज जैसा हो जाता है, आम दिखने में सामान्य लगता है परंतु अंदर से पीला स्पंज जैसा दिखाई। यह रोग सर्वाधिक किस्म होता है दोस्तों, अल्फेंजो किस्म है। अल्फेंजो किस्म में सर्वाधिक, अल्फेंजो किस्म में सर्वाधिक होता है। ये जो काला सिरा रोग है ये किसमें होता है दोस्तों, दशहरी, दशहरी किस्म में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक। अब इस रोग के अपने लक्षण रह गए थे दोस्तों, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों ब्लैक टिप के, कि इसमें
जो काला सीरा से समझ में आ रहा है, ये जो जैसे आम ये नीचे से क्या होगा दोस्तों, काला व कठोर हो जाएगा, काला व कठोर। आम का जो नीचे का हिस्सा है वो दोस्तों काला व कठोर हो जाएगा। अब क्या बात करते हैं दोस्तों, तीसरा डिसऑर्डर है आंतरिक मृत ऊतक, आंतरिक मृत ऊतक जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनल नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? इंटरनल नेक्रोसिस, इंटरनल नेक्रोसिस। अब ये जो इंटरनल नेक्रोसिस है या आंतरिक मृत ऊतक रोग है, इसका कारण क्या है दोस्तों? कारण क्या है दोस्तों? बोरोन तत्व की कमी। बहुत बार इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है आंतरिक मृत ऊतक रोग किसके कारण होता है दोस्तों? बोरोन तत्व की कमी के कारण। इसकी रोकथाम, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे दोस्तों? बोरेक्स .6% का छिड़काव करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? बोरेक्स .6% का छिड़काव करेंगे। अपने दोस्तों आज क्लास में आम के मुख्य कीट, आम के दैहिक विकार, आम के प्रमुख रोग, तीनों के बारे में अपने अध्ययन कर लिया था। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथ में दोस्तों बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।